लड़का का नाम पावर हाउस और बाप मरे अंधियारे माँ। ये उत्तर भारत की, या फिर ऐसा बोल लें कि हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ की एक बहुत बड़ी कहावत है कि लड़का का नाम पावर हाउस और बाप मरे अंधियारे माँ। कि भाई बाप ने जो भी किया था या फिर जो भी है उसको बेटा मिटा रहा है, मिटा रहा है इन द सेंस कि नाम खराब कर रहा है कुल मिला के ऐसा। और ये एट प्रेजेंट जो बिजली कटौती चल रही है ऑलमोस्ट दिन में 8 से 10 बार, मैं तो पिछले 10-15 दिन में कई बार ट्वीट कर चुका, मेरे पास कॉल आते हैं कहाँ पे लाइट है, फिर उनको बताता हूँ, तब तक में लाइट आ भी जाती है जब तक उनका कॉल आता है। लोकल बिजली ऑफिस की दिक्कत यह है कि वहाँ पे कई सालों से मेरा कॉल नहीं लगा है, बिकॉज वो ऑलवेज बिजी रहता है। मीन्स इतना वो काम कर रहे हैं कि वो बिजी रहता है, कभी भी कॉल नहीं लग पाता है, ऑलवेज बिजी रहता है। आई डोंट नो क्या है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। बट यस, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहीं पास में एक रीवा शहर है जहाँ पे मैंने अभी मुश्किल से 10 दिन पहले एक वीडियो डाला था कि रीवा से मुंबई के लिए डायरेक्ट ट्रेन है। बहुत पोटेंशियल वाला सिटी है रीवा, बहुत बड़ा है, और आज से 50-60 साल पहले, या फिर अपन कह लें कि 1970, जब से ये राजशाही वगैरह ख़त्म हुई है, तब से पहले वहीं से शासन चलता था, राजा रजवाड़े वहीं रहते थे। यहाँ पे तो उनके फॉलो करने वाले थे एज एम्प्लॉय, तो वहाँ से बड़ा पोटेंशियल वाला शहर है। 8-10 लाख की, एटलीस्ट 8-10 लाख की पॉपुलेशन, बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ। कुछ दिन में एयरपोर्ट भी चालू होने का है रीवा में, वहाँ से ट्रेनें वगैरह स्टार्ट हो रही हैं बड़ी बड़ी, बहुत पोटेंशियल है उस शहर में। वहाँ पे रीवा एरिया में एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगा हुआ है। सोलर पावर प्लांट मींस वो धूप से कन्वर्ट करके एनर्जी बनाना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, वो लगा हुआ है। उसके बावजूद भी बिजली की ऐसी स्थिति है कि दिन में 8-8, 10-10 बार, 15-15, 20-20 मिनट के लिए लाइट जा रही है। आई डोंट नो ये कैसे जस्टिफाई होगा, लेकिन रीज़न ये बताया जा रहा है कि कोयले की कमी है। रशिया में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वहाँ से इम्पोर्ट होता था कोयला, फिर उसके बाद कल पता चला 600 से ज़्यादा ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, पैसेंजर ट्रेन, जस्ट टू रन गुड्स ट्रेन, जो मालगाड़ियाँ होती हैं उनको दौड़ाने के लिए पैसेंजर ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कोयला पहुँच सके पावर हाउसेस तक, और हमको जो बिजली की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। शहडोल की बात करूं तो शहडोल फिर भी डिवीजन में आता है, इसको डिवीजन बोला जाता है, संभाग, कुछ 9-10 संभाग है एमपी में, उनमें आता है। यहाँ पे कंपैरेटिवली कटौती की जो ड्यूरेशन है वो कम रखी जाती है, लेकिन आप सोचें अगर शहडोल में 8-8, 10-10 बार लाइट जा रही है तो उन गांव की क्या हालत होगी जहां पे एक्चुअल रिक्वायरमेंट है खेती बाड़ी की, बिजली नहीं है, लाइट नहीं है, वहां पे लोग कैसे सरवाइव कर रहे होंगे। खेती बाड़ी तो फिर भी ठीक है, इतना गर्मी में कैसे सरवाइव कर रहे होंगे जब बिना पंखा के, कूलर के, या फिर एसी बड़े लोग के उसमें कह लें, हम लोग तो पंखे कूलर वाले हैं, इन सब के बिना 5 मिनट क्या 1 मिनट बैठा नहीं रहा जा सकता, ये सोचने वाली बात है। हालांकि गवर्नमेंट रीजंस दे रही है, जस्टिफाई भी है, लेकिन होप बहुत जल्दी सिचुएशन अच्छी हो जाए। लेकिन हाँ, अगेन वो जो कहावत मैंने बोली वो कहीं ना कहीं सही भी हो रही है इस तरह की सिचुएशन में, कि बाप का मरे अंधियारे में और बेटा का नाम पावर हाउस। एक छोटा सा व्यंग।